हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविताज फैशन फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्लावर के साथ। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं आम की, कच्चे आम की खट्टी मीठी, आप इसे नूंजी भी बोल सकते हैं, खट्टी मीठी भी बोलते हैं, हमारे तो खट्टी मीठी बोलते हैं इसे, और कितने जगह से नूंजी भी बोलते हैं, कितने जगह आम का अचार भी, मीठा आम का अचार भी बोलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, आम कच्चे आम के छोटे छोटे पीस आप अपने हिसाब से कर लें, जितने बड़े पीस चाहिए आपको उतने बड़े पीस आप इसे कट कर लें, ठीक है। अब हम इनके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या जाएगा। तो जीरा है, अजवाइन है, लाल मिर्च है, कलौंजी है और नमक है। तो इतने चीज़ हम इसे तड़के में डालेंगे। तो पहले और चीनी, ये तो मस्ट है, चीनी हमें भरपूर मात्रा में चाहिए ताकि ये इसकी जो ग्रेवी होती है ना, जो इसकी चाशनी तक ये बनती है, तो वो जितनी आप मीठी बनाएं उस हिसाब से आप चीनी ले लें। तो एक फ्राइंग पैन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल, बस बहुत ही थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया है, और इस ऑयल को हम हीट होने दे रहे हैं। जब ये हीट हो जाएगा तो इसमें हम जितने भी मैंने आपको दिखाया था ना, जीरा, कलौंजी, लाल मिर्च, अजवाइन, सारे कुछ हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से तड़कते देंगे। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा और इसे एक बार हम चला लेते हैं ऐसे, ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाए। और अब हम इसमें अपना कटा हुआ कच्चा आम डाल देंगे, ठीक है। इसे हम डाल दिया और इसे भी हम दो तीन बार अच्छे से चलाएंगे। और ये सब काम हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम पे ही रखना है। और अब हम इसी टाइम, इसमें हम, मैंने आपको नमक नहीं दिखाया, सॉरी, इसमें हम थोड़ी सी नमक, बस चुटकी भर नमक डालेंगे इसमें, ताकि ये गल जाए थोड़ा सा। तो नमक डाल के इसे थोड़ी देर तक हम चलाएंगे और इसे ढक के हम छोड़ देंगे, धीमी आंच पे छोड़ देंगे थोड़ी सी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और फिर इसे थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है, रेड कलर का हो गया है, और ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो जब ये ऐसा हो जाए, फिर हम इसी टाइम इसमें हम अपना शुगर डाल देंगे, मतलब चीनी डाल देंगे। जितनी आपको मीठा, जितना आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दें, ताकि इसकी जो चाशनी है वो थोड़ी मीठी होती है तो अच्छी लगती है, खट्टी मीठी होती है ये। तो ऐसे ही आप करके दो तीन बार आप इसे अच्छे से चला के, और फिर इसे आप धीमी आंच पे थोड़ी देर छोड़ दें। बस अब इसे थोड़ी देर ही लगना है, बहुत ही जल्दी बनता है ये रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी। आप इसे रोटी, अचार, पराठा, रोटी सब्जी में के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारा ये फाइनल लुक है इसका, और इसे आप स्टोर करके रख लें और जब मन तब खाएं, और ऐसे ही खाते रहें, खिलाते रहें। थैंक यू।